तो बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। उन्होंने क्या कहा कि संघ मुक्त भारत बनाने की बात करूंगा। हमारे चाचा हैं, हमारे अभिभावक हैं, और हमारे तो पिता ने संस्कार में सिखाया कि बड़ों का सम्मान करो, इज्जत करो। हम करते हैं, लेकिन आप बताइए कि बार बार धोखा देंगे, अपने सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में अपने विचारों का सौदा करेंगे, आरएसएस और बीजेपी के सामने घुटना टेकने का काम करेंगे, तो उसका विरोध ना किया जाए। मैं मानता हूं कि भले ही हमारे अपने लोग हैं, लेकिन अपने लोग बनकर के मीठी मीठी बातें करके अगर पीठ में छुरा भोंकने का काम करे तो वो उससे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम सब लोगों को ऐसे व्यक्तियों का चिन्हित कर करके इसका विरोध करना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए। और जहां बहुसंख्यक लोग इकट्ठे हैं, जिसकी जितनी संख्या है, तो कौन इसके आगे टिकने का काम करेगा। तो उस नए सर्वे भी होने चाहिए, नए कास्ट सेंसस भी होना चाहिए, चाहे ब्राह्मणों का हो, अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड्स का हो, दलित का हो, एसटी का हो, सबका होना चाहिए। और जगदेव बाबूजी ने जो नारा लगाने का काम किया था, कर्पूरी ठाकुर जी ने जो नारा लगाने का काम किया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, उस पर हम सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। जगदेव बाबूजी ने कहा था कि पहली पीढ़ी जो है गोली खाने का काम करेगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, और तीसरी पीढ़ी जो है राज करने का काम करेगी। लेकिन आज जो व्यवस्था जो हम लोग देखने का काम कर रहे हैं, आपके संविधान पे, आपके अधिकारों पे आपको फिर से पीछे ले जाने का काम किया जा रहा है, आपकी हकमारी की जा रही है। जितना बनता है वो तो दे ही नहीं रहे, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी मिला है उसको भी छीनना चाहते हैं और फिर से वो व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। और हम लोग सब लोग यहां ठंडे बैठे हुए। लालू जी ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, उसी का परिणाम है कि आज वो जेल में है। उन्होंने समझौता नहीं किया। अगर लालू जी इन मनुवादियों से समझौता कर लेते तो राजा हरिश्चंद्र के रूप में नवाजे जाने का काम करते। आज हम लोगों पे मुकदमा हुआ, मेरे भाई पे मुकदमा हुआ, मेरी माँ पे मुकदमा हुआ, मेरे 7 बहन है, 7 बहनों पे मुकदमा हुआ, मेरे 7 बहनें तो 7 जीजा हैं, 7 जीजाजी पे भी मुकदमा हुआ, मेरे बहनों के 7 ससुरों पे भी मुकदमा हुआ, ये भी नहीं उनके 7 ससुर के रिश्तेदारों पे भी मुकदमा हुआ। लेकिन वो लोग सोचते थे कि लालू जी को जेल भेजेंगे तो डर जाएंगे, लेकिन लालू जी डरे नहीं। तो उनको लगा यार ये तो आदमी डरा नहीं, तो इनके परिवार की पे मुकदमा करो, हो सकता है परिवार के डर से ये समझौता करें या तो झुकने का काम करें। लेकिन उन्होंने फिर भी झुकने का काम नहीं किया, हम लोग भी नहीं डरने का काम किए। हम जानते हैं हमारे पिता शेर हैं, मुझे उन पे गर्व है, और उनका खून, उनका, मैं आप सब लोगों को वचन देता हूं, मनोज झा जी ने पहले जिक्र किया कि चाहे एक सीट आए ना आए हम वोट की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन अपने विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे, हम संघर्ष करने का काम करेंगे। हम लोग क्या कब तक देखते रहे कि ये बंच ऑफ थॉट्स हमारे संविधान की जगह पे आ जाए। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, एकजुट होकर के एक बड़ी आंदोलन करने की जरूरत है। और जब तक इन लोगों को मजा नहीं चखाया जाएगा, आप लोग समझ जाइए, जब तक इन लोग सबक नहीं सीखेंगे तब तक ये लोग बार बार अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे। ये लगातार कुछ ना कुछ नई नई जुमलेबाजी करके नया नया डाइवर्ट कर देंगे, इश्यू तुरंत डाइवर्ट कर देंगे। अब चुनाव आता है तो उनको राम जी याद आ जाते हैं, राम मंदिर याद आ जाता है। गिरिराज सिंह जी बोलते हैं कि हम लोगों को बोलते हैं, हम लोग इंसानियत के पक्ष में बोलते हैं, भाईचारा के पक्ष में बोलते हैं, पीस की बात करते हैं, तो बोलते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अरे गिरिराज सिंह का देश का ये, उनके पिता उनके बाप का देश है क्या जो हम लोगों को पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। ये लोग जो लोग का कोई देश के आजादी में कोई कुर्बानी नहीं रहा, जिन्होंने अंग्रेजों की चमचाई करने का काम किया, आज वही लोग जो है हम लोगों को देश से बाहर करने की बात कर रहे हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये लोग आएंगे फिर नया जुमला लेकर के, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। मेरा मानना है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट से तभी हो पाएगा
जब आप इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन देने का काम करोगे, उसलिए इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन भी आपको देना पड़ेगा, उसके भी हम लोगों को लड़ाई लड़ने की जरूरत है। लेकिन हम लोग जो चीज जितना कुछ करते हैं, आज भी जितनी बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम लोगों का खबर जाते जाते छटनी हो जाता है, तो बहुत जगह ये बात आ नहीं पाती है भी, तो इसलिए मीडिया के लोग हैं बेचारे, कैमरामैन हैं, कुछ रिपोर्टर हैं, ये तो अपना जॉब कर रहे हैं, लेकिन वहां जो इनके मालिक जो बैठे हैं, जो एडिटर जो बैठे हैं, सब एडिटरों के मालिक हैं अमित शाह, वही से सारा न्यूज चलता है आता है। और माफ कीजिएगा, हमको जो सूचना है कि इनकी कटनी और छटनी अगर कोई गलती से अगर सच दिखा दे तो तुरंत पीएमओ से फोन आ जाता है। तो बेचारे ठीक है, गरीब है, नौकरी कर रहे हैं, अब बेचारे अब करने दीजिए, कैमरा लेकर के घूम रहे हैं, नहीं तो पकौड़ा बेचना पड़ेगा पकौड़ा। लेकिन हम पूछना चाह रहे, पकौड़ा बेचने में मोदी जी का क्या योगदान रहा? क्या मोदी जी के आने से पहले कोई पकौड़ा नहीं बेचता था क्या? ठीक है, पकौड़ा बेचने वाले को भी सम्मान है, घर में कोई भूखा मर रहा था तो पकौड़ा बेच के भी कमा लेंगे, लेकिन मोदी जी कम से कम 15 लाख रुपए का बोनी करा देते, कम से कम हम लोग ठेला लगा लेंगे जो बेरोजगार लोग हैं, सामग्री खरीद लेंगे, जमीन की व्यवस्था हो जाएगी। और जो गरीब आप जिनको बोल रहे हो, अगर आर्थिक रूप से करना था तो आप अपना वादा ही पूरा कर देते, हर एक के खाता में आप 15-15 लाख रुपए दे देते, सब अमीर हो जाते, सब अपना रोजगार ढूंढ लेते, अपना व्यवस्था खुद कर लेते, रोजगार की व्यवस्था करा देते, लेकिन वो तो आप काम नहीं कराओगे, लेकिन दूसरों के हकदारी मानने का काम करो। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।